ट द इंडेक्स सो आई है फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने एक स्टेटमेंट दी गई दैट वॉज इन्फ्लेशन इन सेप्टें ट्वेंटी ट्वेंटी करेंगे तो आपने देखा हमेशा रखिएप्टे इन ईयर बेसिस पे काउंट होता है अगर मान लीजिए आपके सामने स्टेटमेंट दी गई है कि दो हजार इक्कीस के अंदर पांच परसेंट का इन्फ्लेशन आया है तो आप ये पांच परसेंट का इन्फ्लेशन पिछले साल से देख रहे हैं यानी कि सेप्टेंबर 2020 से देख रहे हैं यहां मैंने लिखा है कि सितंबर 2020 सितंबर 2021 वन ईयर सितंबर तो अगर मान लीजिए 2020 में दस रुपए प्राइस था किसी कॉमोडिटी का तो वो सितंबर 2021 के अंदर 10.5 हो, हो चुका है That's okay. यहां मैंने लिख दिया है दिस इज अन्सेप्ट ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस नाउ अनदर एक्साम्पल जीडीपी ग्रोथ आप देखते हैं मान लीजिए अप्रैल जून क्वार्टर दो के अंदर देखा इट वॉज ट्वेंटी ग्रोथ

मान लीजिए मैं एक मार्केट में जाता हूं और मैं उस मार्केट में एक लाख कॉमोडिटीज का जो प्राइस है वो मैं मेजर करता हूं लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है मान लीजिए मुझे अब एक एक ऐसा नंबर लेना है जिससे मुझे उन सारी कॉमोडिटीज के प्राइस को रिप्रेजेंट करना है यानी कि दैट वन पर्टिकुलर नंबर दैट इज नोन एज इंडेक्स एंड हाउ यू विल बी क्रिएटिंग दैट एक बार पढ़ देता हूं मैं आपकी इसके लिए कि मैंने क्या लिखा आई वेंट टू मार्केट

ये ये हैं अंदर तो जो प्राइस था आपने एक नंबर से दिखा दिया रुपए था अब अब 2016 में आपने देखा वो प्राइस डबल हो गया इसका मतलब फिर आपने 2017 में देखा हमने, हमने मान लिया कि वो 50 परसेंट इंक्रीज हुआ है पचास इंक्रीज होने का मतलब है वो का 50 तो, सो का पचास तो डेढ़ हो गया तो डेढ़ो पे वो वैल्यू चलेगी अब क्वेश्चन आता है कि अगर इसी ग्रोथ को इसी इन्फ्लेशन को अगर न्यूज छापेगा तो कैसे छापेगा तो हाउ न्यूज पेपर रिप्रेजेंट इट और राइट इट फर्स्ट वे पहले वे में कैसे लिख सकता वो प्राइस है दो हजार 2017 में पचास परसेंट प्राइस इंक्रीज हो गया एक एक तरीका है लिखने का दूसरा तरीका प्राइस हैज बिन इंक्रीज फ्रॉम हंड्रेड टू तो वन फिफ्टी हंड्रेड इन वन इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड वन फिफ्टी इन टू हंड्रेड टू थाउजेंड सेवेंटीन ओके फाइन तो आई होप यू गोड द आइडिया नाउ अनदर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ये काफी बार अखबार में देखते हैं शेयर मार्केट में सेंसेक्स को लेके हम स्टॉक मार्केट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे डोंट वरी स सिक्सटी थाउजेंड मैंने आपको पहले ही कहा था मेरे लेक्चर्स में मैं उन चीजों को डिस्कशन में बिल्कुल भी नहीं लूंगा जिसकी मुझे जरूरत महसूस नहीं होती है लेकिन अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लिया भी है तो आई लेट यू अंडरस्टैंड इट इज ओके बट इन डिटेल वी विल बी डिस्कसिंग एट देर जहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है और जहां पे इसको पढ़ा जाता है एक ऑर्डर में तो बिना ऑर्डर के चीजों को पढ़ेंगे तो दिमाग में एक फितूर बनेगा और चीजें खराब हो जाती हैं तो सेंसेक्स मान लीजिए मैंने कहा एक नंबर से मैंने दिखाया थाउजेंड तो आप इस सिक्सटी थाउजेंड का क्या मतलब समझते हैं जैसे आप समझ देखते हैं सेंसेक्स के निफ्टी के अंदर अंदर निफ्टी कुछ नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं ठीक है ठीके? जिनका शेयर दिखाया जाता है किसी पर्टिकुलर नंबर से तो आप ये देखें कि ये अकेला नंबर कुछ भी नहीं दिखा सकता है तो इंडेक्स की जो खास बात है मैंने जो आपको कहा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह बताया जाता है लेकिन अगर आप किसी नंबर से ये देखना चाहें कि इस नंबर का क्या मीनिंग है तो आप जब तक उस नंबर का मीनिंग नहीं बता सकते हैं जब तक आप उसके पिछले साल का नंबर नहीं जानते हैं। तो यही चीज मैंने यहां लिखी है ये अकेला कुछ नहीं बता सकता है आपको अंटिल अनलेस यू नो अबाउट प्रीवियस नंबर ऑफ द प्रीवियस नंबर। ओके? नाउ अंडरस्टैंड आई एम मूविंग टुअर्ड्स इन्फ्लेशन इंडाइसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप तीन तरीके के इन्फ्लेशन इंडाइसिस पढ़ते हैं इंडाइसिस एज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स ओके, okay, सो so, तीन तरीके के हमने इन्फ्लेशन इंडेक्सेस पढ़े जीडीपी डिफ्लेटर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको आप सीपीआई बोलते हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको आप आई बोलते ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद जीडीपी डिफ्लेटर मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने 2015 में 10 किलो वीट को प्रोड्यूस किया और उसका प्राइस था दस रुपए ओके फाइन 2016 में मैंने 11 किलो व्हीट प्रोड्यूस किया और उसका प्राइस था 10.5। पॉइंट पांच आई थिंक इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट नोमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी इन द लास्ट क्लासेस वी डिस्कस्ड इट वी टुक दिस तो नोमिनल जीडीपी में आप रियल जीडीपी में आप क्या देखते थे उस साल की क्वांटिटी लेते थे और पिछले साल का प्राइस लेते थे यानी कि कॉन्स्टेंट प्राइस लेते थे और नॉमिनल जीडीपी में सेम ईयर क्वांटिटी सेम ईयर प्राइस का कॉन्सेप्ट होता था फाइन तो अगर आप 2016 की नॉमिनल जीडीपी निकालना चाहें मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 2016। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे यू विल है वेरी क्लियर पिक्चर अबाउट वॉट इज द इकोनॉमी एंड हाउ हाउ द थिंग्स आर डन सो मैंने यहां कैल्कुलेटिंग नॉमिनल जी इन ट्वेंटी ंग दैट ईयर क्वाट ईर प्राइस दैट मीन इलेवन एंड टेन पॉइंट फाइव सोल्व किया उसके बाद आपने इसी साल की रियल जी डी पी को काउंट किया दैट मीन आपने इस साल की क्वांटिटी ली और पिछले साल की आपने आपने प्राइस लिया अब हमने क्या कर दिया इन दोनों को डिवाइड किया दोनों को डिवाइड किया तो टेन पॉइंट फाइव बाई टेन टेन पॉइंट फाइव बाई टेन इलेवन से इलेवन कैंसिल टेन पॉइंट फाइव बाई टेन ये आया वन पॉइंट जीरो By वन तो आप देखें जीडीपी डिफ्लेटर ये कितना इंक्रीज हुआ ये पांच परसेंट इनक्रीज हुआ लेकिन अभी धीरे धीरे हम इन चीजों को समझेंगे कि यार ये जीडीपी डिफ्लेटर ये डिफ्लेट क्या हो रहा है ये Deflator क्या है है ना बेसिक मीनिंग मैं बहुत ही बेसिक चीजों से स्टार्ट करके आपको उसके एक्चुअल मीनिंग पर ले जाता हूं मेरी कोशिश यही रहती है अगर फिर भी कुछ एडिशन हो तो आप प्लीज अपनी तरफ से उसमें कर सकते हैं देखिए जीडीपी डिफ्लेटर में हमने क्या किया इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट चेंज इन द प्राइस कीप क्वांटिटी और वाइस वर्सा ये तो हमें पता है अगर आप किसी भी प्राइस में चेंज देखना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं और क्वांटिटी में चेंज देखना चाहते हैं तो आप प्राइस को कांस्टेंट रख सकते हैं ये हमने लास्ट क्लासेस में कॉन्सर्ट पढ़ा था ठीक है फाइन अब देखिए व्हाई इट इज कॉल्ड डिफ्लेटर Why it is called deflator? अब बात ये जाननी है देखो क्या हमने रियल जीडीपी अगर हम निकाले आपने क्या निकाला जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी बाय पी रियल जीडीपी डी आप रियल जीडीपी को इधर ले गए जीडीपी डिफ्लेटर को इधर ले आए इधर ले आए यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर अब मैं एक बार दोबारा से एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ जब आप नॉमिनल जीडीपी से इन्फ्लेशन को डिफ्लेट कर देते हैं डिफ्लेट का मतलब रिमूव कर देते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है रियल जी तो यहां पे लिखा है जब आप नॉमिनल जी से इन्फ्लेशन को डिफ्लेट यानी कि रिमूव कर देते हैं बाय और कैसे रिमूव करेंगे deflator, और कौन पब्लिश करता है इस डाटा को जी डी पी डिफ्लेटर को एनएसओ ओके तो आई थिंक दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ जी डी पी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर मैं थोड़ा सा आपको कर देता हूं नॉमिनल जीडीपी आपने काउंट की रियल जीडीपी देखा जीडीपी डिफ्लेटर आया 5%, लेकिन 5 का मतलब ये है सो नाउ आफ्टर दिस लेट मी स्विच टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यू ठीक है थोड़ा सा इनके बारे में हम और भी पढ़ेंगे डोंट वरी अभी सिर्फ आप कैलकुलेटिव पार्ट देखिए कि जीडीपी डिफ्लेटर कैसे काउंट होता है कैसे कैलकुलेट होता है क्या इनके मीनिंग है धीरे धीरे और क्लियर होंगे आपको कौन इसको पब्लिश करता है अब आते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स अब नाम से पता चल रहा है आप मंडियों में जाके प्राइस देख रहे हैं आप मंडी में जाके प्राइस देख रहे हैं तो बाय ऑफिस ऑफ उफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर डीपीआईआईटी ट इज डीपीआई टी आई मैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड दस्ट वन डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ओके फाइन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ओके डाटा कलेक्टेड कैसे कलेक्ट होता है मंथली हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसके बारे में आपसे इतना ही पढ़े और एक चीज ध्यान रखिएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द कॉमोडिटीज कौन सी लेती है मैन्युफैक्चरिंग जो आप मैन्युफैक्चर्ड मैन्यूफेक्मोडिटीज होती हैं वो हम लेते हैं ठीक है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर इसकी जो बास्केट है देखो हर इंडेक्स की एक बास्केट है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप मार्केट में एक लाख कॉमोडिटीज के प्राइस को मेजर करके और उनके प्राइस को एक नंबर से दिखा रहे हैं. तो ऑब्वियसली दैट वन लैक कॉमोडिटीज आर मेकिंग माई बास्केट नाउ डब्ल्यू पी आई इज कैलकुलेटेड तो वहां भी एक एक बास्केट होगी तो हमने देखा उस बास्केट के अंदर सिक्सटी परसेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है आप उसको काउंट करते हैं फैक्ट्री लेवल पे अच्छा ये जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखिए ये काफी आजकल चर्चा में है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैंने लास्ट में डिस्कस क्यों किया है उसका रीजन यही है क्योंकि आज जितने भी आप आंकड़े पढ़ते हैं आप वो सीपीआई को लेकर पढ़ते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इंडेक्स जो है आप उसको शॉर्ट में सीपीआई बोलते हैं और इसकी बास्केट के अंदर देखा जाता है सीपीआई मेजर बाय फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी सबसे खास बात सीपीआई की क्या है ये सोसाइटी के अलग अलग स्टेटा के लिए अलग अलग पोर्शन के लिए मेजर किया जाता जैसे अब सीपीआई सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर्स सीपीआई रूरल लेबरर्स सीपीआई रूरल CPI Urban, CPI अर्बन सीपीआई कंबाइंड ये जो नीचे वाले तीन है ये एनएसओ पब्लिश करता है और जो ये ऊपर वाले तीन है ये लेबर ब्यूरो जो है वो पब्लिश करता है एक होता है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ सीपीआई आप देख रहे हैं अलग अलग सोसाइटी के लिए सोसाइटी के अलग अलग हिस्से के लिए अलग अलग लोगों के लिए अकाउंट हो रहा है अब इसका क्या पर्पज है देखिए इफ इन्फ्लेशन इज इज वन इट आप अब बात आती है मान लीजिए न्यूज पेपर में आपने स्टेटमेंट पढ़ी कि इन्फ्लेशन इतना परसेंट हो गया तो आपके दिमाग में आएगा यार कौन सा इन्फ्लेशन है जीडीपी डिफ्लेटर है सीपीआई है या ये डब्ल्यू पी आई है तो हम कहेंगे बाय डिफॉल्ट इट इज सीपीआई कंबाइंड सो सीपीआई कंबाइंड कंबाइंड इज इन ट्रेंड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज बेस्ड ऑन सीपीआई पी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई वो किसके बेस पे बनाती है वो सीपीआई को लेके बनाती है ओके okay? अब एक स्टेटमेंट देखते हैं इन्फ्लेशन इन 2023 एवरेज 6 परसेंट ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया है आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं मान लीजिए आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट हैं और मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको तीस हजार रुपये महीना खर्चा देते हैं दिल्ली में रहने का और इन्फ्लेशन हुआ छः परसेंट तो आपने भी कहा कि यार छः परसेंट इन्फ्लेशन हो गया है तो घर वालों से जो पैसा है वो छः परसेंट इंक्रीज करके ही मांगा जाना चाहिए क्योंकि खर्चा बढ़ गया है तो थर्टी थाउजेंड पर मंथ तो आपने घर पे फोन किया कि सर छः परसेंट इन्फ्लेशन हुआ है तो आप आगे से तीस हजार ना भेज के इकतीस हजार आठ सौ रुपए पर मंथ भेजें लेकिन फिर भी आपका काम नहीं चला तो, तो क्यों? तो क्योंकि हमारा जो जो सिक्स परसेंट का जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं ये मेजरमेंट करने का तरीका अलग है ये अप्रोप्रिएट नहीं है क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है आपने देखा आप क्या करो आप अपनी बास्केट क्रिएट करो आप अपनी बास्केट क्रिएट करो मैंने मान लीजिए सीपीआई यूपीएससी के नाम से सीपीआई का इंडेक्स क्रिएट किया 2023 के अंदर इसकी कंजम्पशन बास्केट में फूड आता है रेंट आता है एजुकेशन आती है सब मिसलेनियस आइटम्स आते हैं यही खर्चा होता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट का ओके तो आप देखते हैं मान लीजिए मैंने कैलकुलेट किया कि ये जो सीपीआई यूपीएससी एस्पिरेंट ट्वेंटी जो है ये ट्वेंटी आया क्या पता आप वो चीज कंज्यूम ही ना कर रहे हो जो वो लोग यूज कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो इसलिए सीपीआई के सबसे खास बात क्या है आप जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर बास्केट के लिए उसको कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हैं ओके नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिसरी इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट जी डी पी डिफ्लेटर डॉट इंक्लूड इंपोर्टेड आइटम यानी कि जब आप जी डी पी डिफ्लेटर निकालते हैं जी डी पी डिफ्लेटर इज एज टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो बताते हैं कितना इंफ्लेशन हुआ है ना अगर हम नॉमिनल जीडीपी में से जी डी पी डिफ्लेटर को डिवाइड जी डी पी डिफ्लेटर से डिवाइड करके उस डिफ्लेटर को मतलब उस इन्फ्लेशन को हटा दे तो हमें क्या मिलता है रियल जी डी पी ओके फाइन लेकिन ध्यान रखिए जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर इंपोर्टेड आइटम्स नहीं आते हैं जो इंपोर्टेड आइटम्स के अंदर जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो आप काउंट नहीं करते हैं एक चीज सीपीआई डब्ल्यू पी आई इंक्लूड इंपोर्टेड आइटम सीपीआई और, WPI CPI और WPI के अंदर इंपोर्टेड आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर नहीं किया जाता है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इनको क्वेश्चन में देखा गया है अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद एक एस्पिरेंट हैं आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स जिसके सीपीआई डब्ल्यू पी आई को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर्विसेज आर नॉट इंक्लूड इन डब्ल्यू प्राइस इंडेक्स है उसमें काउंट नहीं करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई जो बाकी दोनों हैं उनके अंदर सर्विसेज के अंदर इन्फ्लेशन जैसे मैं आपको कोचिंग दे रहा हूं मान लीजिए आज मेरी फीस पचास हजार रुपए है तो अगले साल अगर मैं दस हजार फीस करता हूं तो वो डब्ल्यूपीआई में काउंट नहीं होगी वो आप सीपीआई में और जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर काउंट करेंगे सॉरी नाउ कैपिटल गुड्स आर परचेज इन रिटेल मार्केट जो कैपिटल गुड्स है आर परचेस्ड इन रिटेल मार्केट एंड मार्केट सीपीआई सीपीआई डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गुड्स मिनट फीलिंग अनकंफर्टेबल विद्रोज काफी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कई बार देखिए कैपिटल गुड्स आर परचेज इन रिटेल मार्केट ये क्या कह रहा है सीपीआई डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गुड्स वाइल जीडीपी डिफ्लेटर एंड डब्ल्यू पी आई डू तो जो कैपिटल गुड है वो कभी भी आपके सीपीआई में काउंट नहीं होता बिकॉज सीपीआई कैपिटल गुड इज वॉट कैपिटल गुड इज द इनपुट ऑफ मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कैपिटल गुड इज द इनपुट फॉर द द फर्दर प्रोडक्शन तो सीपीआई रिटेल पे काउंट होता है तो कैपिटल गुड गुड इज नॉट काउंटेड ऑन द रिटेल तो जीडीपी डिफ्लेटर और डब्ल्यूपीआई दोनों करते हैं सीपीआई के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो इंक्रीज हुआ है वो आता है डब्ल्यू पी आई एक्सक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को बिकॉज इट इज एट द प्रोड्यूसर लेवल डब्ल्यू पी आई को आप प्रोड्यूसर लेवल पे काउंट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन द रिटेल लेवल ये कॉमन सेंस की बात है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन द कंज्यूमर लेवल रिटेल लेवल दैट्स वाई दैट इज काउंटेड दैट Increase in the price is counted in CPI, that is not counted in WPI. Okay, fine. Now understand. Another example, very important. हम अब वेट, वेट की बात करेंगे वेट एक्चुअल में क्या होता है एक होती है एवरेज एक होती है वेटेड एवरेज है, ठीक है आई थिंक वी आर मूविंग टू आर येज कि वेटेड एवरेज में क्या अंतर होता है एवरेज क्या होती है वेटेड एवरेज क्या होती है हम ये बात करेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके यहां समझाया गया है अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए यहां 2020 की बात हो रही है 2021 की 2021 में आप क्या देख रहे हैं बीस रुपए पर केजी आपने वीट प्रोड्यूस किया बीस रुपए पर केजी आपने वीट प्रोड्यूस किया और आप उस साल कंजम्पशन कर रहे हैं 100 केजी ठीक है अच्छा दो आइटम है वीट है और साल्ट है रुपए पर केजी एक किलो साल्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं पर केजी आप 20 किलो साल्ट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपने कहा यार 2021 के अंदर प्राइस चेंज हुआ वीट के अंदर 100% परसेंट, यानी कि 100% प्राइस इंक्रीज हो गया किसका व्हीट का और जो प्राइस इंक्रीज है साल्ट के अंदर वो है दस परसेंट तो देखिए कैसे हुआ अब मान लीजिए चालीस रुपए था इसका प्राइस हंड्रेड परसेंट इंक्रीज हो गया दैट्स ओके okay. तो फोर्टी लिखा कितना कंज्यूम किया हंड्रेड के जी मल्टीप्लाई किया उसके बाद दस परसेंट एक के जी यानी प्राइस चेंज हुआ बीस रुपए का दस परसेंट तो 22 20 का 10 परसेंट करेंगे तो आप कहां पहुंचे 22 पे यानी कि आपका प्राइस अब बाइस रुपए हो चुका है कंज्यूम कितना कर रहे हैं आप वन ये कैलकुलेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग इन कैलकुलेशन को इन एग्जाम्पल्स पे होती है ना आई थिंक इकोनॉमी को इसके अलावा पढ़ने का कोई तरीका नहीं है ये मेरा मानना है कि अगर आप इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग है देखिए फिर हमने 2021 में मान लीजिए इसको 2022 ले लेते या आप 2021 हजार ही ले लीजिए सेकंड फेज में ले लीजिए प्राइस चेंज हुआ दूसरी बार वो 10 परसेंट इंक्रीज हुआ और प्राइस चेंज इन सॉल्ट वो 100 परसेंट इंक्रीज हुआ ओके तो यहां आपने देखा बाईस रुपए हंड्रेड के जी ये बन गया चालीस एक के जी यहां पे आपकी वैल्यू आ रही है चार हजार बाईस यानी कि ये आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है चार हजार बाईस और यहां आ रहा है बाईस चालीस दो हजार दो सौ चालीस और स्टार्टिंग में क्या था ट्वेंटी रुपीस पर के जी इंटू हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज पर के जी वन क्योंकि हम कितना साल्ट कंज्यूम कर रहे थे वन के जी तो हमारी एक्सपेंडे एक्सपेंडिचर आ रहा था दो हजार बीस ठीक है आप इसके अंदर एवरेज इंक्रीज देखें ये कितना है पचपन परसेंट ठीक है एक, यहां पे देखा वट वी लर्न एवरेज पचपन परसेंट इन्फ्लेशन डज नॉट मेक एनी सेंस जो ये पचपन परसेंट इंक्रीज हुआ है फिफ्टी फाइव परसेंट इंक्रीज इसका कोई सेंस नहीं है क्यों अब आप मुझे बताइए ये अच्छा है कि ये अच्छा है थोड़ा सा गोमन सेंस पे बात करते हैं अब जिस चीज को आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसका प्राइस ज्यादा बढ़े कि कम बढ़े तो ऑब्वियसली बात है जो प्राइस चेंज हुआ वीट के अंदर वो पे सिर्फ दस परसेंट हुआ और व्हीट में से और साल्ट में से अब ज्यादा कंज्यूम कौन कर रहे हैं वीट को कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा जो प्राइस चेंज है वो हमारे लिए बेटर है ऑब्वियसली बात है ये बेटर है एज कंपेयर टू दिस वन लेकिन यहां से हम कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो हमने क्या देखा वी प्रेफर वेटेड एवरेज हम इस कैलकुलेशन पे बाद में आते हैं पहले कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वेटेड एवरेज कैसे काउंट होती है ये आप देखते हैं ये वेट ऑफ द वीट है ये प्राइस चेंज इन व्हीट है यह वेट ऑफ द साल्ट है और ये प्राइस चेंज इन द साल्ट है बाय डब्ल्यू दैट इज वेट ऑफ द व्हीट एंड द वेट ऑफ द साल्ट आई थिंक आपको फॉर्मला समझ में आया मैंने कैसे लिखा है तो ये मैंने कैसे लिखा ध्यान से देखिए इन्फ्लेशन के दौरान हमें हमें इसे कॉन्स्टेंट रखते हैं कैसे वेट जो था वो हंड्रेड वेट जो है हमने कैसे लिखा प्राइस चेंज कितना हुआ है हंड्रेड परसेंट प्राइस चेंज कितना हुआ था टेन परसेंट और ये जो वेटेड ये जो आपका वेट ले रहे हैं आप वीट का तो आप ये कैसे लेते हैं टोटल वेट कितना बना ये देखिए हंड्रेड बाय वन जीरो वन दैट इज वन बाय वन जीरो वन बिकॉज टोटल इज हंड्रेड प्लस वन यू आर कंज्यूमिंग वट वन हंड्रेड के जी ट एंड वन हंड्रेड वन के जी साल्ट दैट मीन्स वेट कितना बना वीट का हंड्रेड बाय वन जीरो वन टोटल अमाउंट दैट यू आर कंज्यूमिंग दैट इज हंड्रेड बाय वन जीरो वन एंड वन के जी बाय वन जीरो वन तो ये हमारा वेट बन गया वीट का और ये हमारा साल्ट का वेट है ये हमारा वीट का वेट है ये साल्ट का वेट है कंफ्यूज नहीं होइएगा मैं आ, रिपीट कर देता हूं इस चीज को मैंने कैसे लिखा है टोटल अमाउंट कितने कंज्यूम कर रहे थे आप दोनों आइटम की दैट वाज हंड्रेड एंड वन के जी तो टोटल अमाउंट वाज वन जीरो वन उस वन जीरो वन में से हंड्रेड कौन था वीट था तो हंड्रेड बाय वन जीरो वन वीट का वेट है और वन बाय वन जीरो साल्ट का वेट है तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला formula फॉर्मुलेट किया हमने देखा आप परसेंटेज फॉर्म में इसको लिखें तो ये आ गया उसके बाद हमने देखा ये एप्रोक्सीमेटली मैंने काउंट करके लिख रखा दैट इज 99.10% 99.10% वेटेड एवरेज आई ऐसे ही आप सेकंड फेज के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर 11% आई यानी कि 99.10% आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और ये 11% तो ऑब्वियसली बात है कौन सा बेटर है ये हमने प्रूव कर दिया जो मैं आपको कॉमन सेंस से एग्जाम्पल दे रहा था कि कौन सा इन्फ्लेशन हमारे लिए अच्छा है जब उस क्वांटिटी का प्राइस कम बढ़े जो प्राइस जो क्वांटिटी आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम वीट को ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे उसका प्राइस कम बढ़ा है तो ये हमारे लिए बेटर है बट दैट वाज एवरेज 55 फाइव परसेंट यहां भी 55 परसेंट लेकिन इससे हमें कुछ पता नहीं लग रहा है हमने देखा दो हजार से चार हो गया ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है ऑब्वियसली बात है ये बढ़िया तो इसके अंदर वेटेड एवरेज कितनी आई अप्रोक्सीमेटली नाइनटी नाइन परसेंट एंड वेटेड एवरेज इज इलेवन परसेंट तो जब आप ये चीजें ऑब्जर्व करें तो वेटेड एवरेज को तवज्जो दें और इस तरीके से जो कैलकुलेशन से हैं आप ये करें तो आई थिंक दिस इज एन एफ फॉर टूडे सो दिस इज द लेक्चर नंबर फाइव जिसके अंदर हमने इन्फ्लेशन इंडाइसिस के बारे में बात की तो आप इन्फ्लेशन इंडाइसिस को लेके जीडीपी डिफ्लेटर सीपीआई सीपीआई के बारे में आप जान चुके हैं कि सीपीआई अलग अलग स्टेटा ऑफ द सोसाइटी के लिए आ, मेजर किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर है इज ऑल्सो ए गुड इंडेक्स डब्ल्यू किस लेवल पे मेजर किया जाता है सीपीआई रिटेल पे डब्ल्यू आपके होलसेल जो मंडी है उनके लेवल पर जाके प्रोड्यूसर के लेवल पे जाके काउंट होते हैं तो फिर हमने देखा धीरे धीरे कि किसके अंदर सर्विसेज आती हैं किसके अंदर नहीं आती हैं किसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं किसके अंदर नहीं आते हैं किसी के अंदर कैपिटल गुड आता है नहीं आता है सो दैट्स वी ऑल डिस्कस्ड ओके सो प्लीज रिवाइज इट दिस इज द लास्ट नो दिस इज नॉट द लास्ट लेक्चर इन द लास्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉमिनल रियल एंड पीपीपी एक्सचेंज रेट ओके तो एक्सचेंज रेट्स के बारे में हम जानेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इट इज ट कीप रिवाइजिंग इट एंड कीप सपोर्टिंग अस मुझे काफी uh, खुशी हो रही है कि हम इकोनॉमी का एक चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर जिसके अंदर हमने छह से सात लेक्चर्स को बनाया है ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप इसको मॉड्यूल नंबर वन मान के चलिए मॉड्यूल नंबर वन के अंदर आपके छह से सात लेक्चर्स कंप्लीट हो गए जिसके अंदर आप बहुत ही बेसिक इकोनॉमी सीख चुके हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से चीजें हैंडल होती है। उसके बाद हम जो है मनी एंड बैंकिंग की तरफ बढ़ेंगे जिसके अंदर कुछ लेक्चर हम डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हमारा डिस्कशन आता रहेगा सो सो थैंक यू मच कीप सपोर्टिंग सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जो कुछ भी है यूट्यूब के ऊपर सब कीजिए बिकॉज जितना एनर्जी हमारा लग रहा है आई थिंक उससे ज्यादा एनर्जी आप लोगों का लगना चाहिए सो थैंक यू सो मच मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर